सितंबर 17 जैसा ही आता है तो पूरे बीजेपी के लीडर, स्पेशली आरएसएस माइंडेड कम्युनल लीडर्स, ये बोलना शुरू करते हैं कि इसको लिबरेशन डे बोल के हम मनाना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि लिबरेशन डे इसको कैसा बोल सकते हैं आप? कौन किससे लिबरेट हुआ? जबकि ये तारीख गवाह है कि कुतुब शाही, मुगल्स एंड आसिफ जाही जितने भी किंग्स थे जो हैदराबाद को रूल किए थे, ये तकरीबन पूरे यही हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरे, वो लोग कोई यहाँ से मुल्क छोड़ के गए नहीं वो लोग। तो जब यहाँ पर बीजेपी के लीडर्स ये जो लिबरेशन डे, क्योंकि अब बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में पावर में आने के बाद में कुछ काम अच्छा नहीं करने की वजह से ये पूरा उनका साथ गिरते जा रहा बीजेपी का, तो वक्फे वक्फे से ये लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनल माइंडसेट को जागर कर रहे हैं ये लोग। तो लिबरेशन डे मना के ये लोग एक कॉर्नर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ 17 सितंबर 1948 के दिन क्या हुआ, 14 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पुलिस एक्शन चला, ये पुलिस एक्शन नहीं था बल्कि एक मिलिट्री एक्शन था, उसके अंदर हजारों मुसलमानों को जो दक्कन के थे, जो हैदराबाद के थे, उनका निज़ाम के जो भी वाकयात जो पेश आ रहे थे उससे कोई ताल्लुक नहीं था उनका, लेकिन ये पुलिस एक्शन में टारगेटेड किलिंग ही पूरे मुस्लिम्स की, गवें गाँव देहाते देहात जाके मुस्लिम खवातीन को उनकी इज्जत लूटे, उनको मारे, उनके पूरे जायदादों को, रात में जो जागीरदार सोया सुबह में फकीर हो गया उन्हें, रात में जो नवाब सोया उन्हें सुबह में भीख मांगने के लायक हो गया। तो वो तारीख से लेके आज की तारीख तक ये बात पे कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा। ये पुलिस एक्शन के बाद में जब दिसंबर 1948 में एक सुंदरलाल पटवा कमेटी बोल के एक कमेटी आई थी, जो पूरे हैदराबाद के ज़िले जितने भी थे, औरंगाबाद, शोलापुर, हैदराबाद का पूरा सर्वे करे, सर्वे करने के बाद में उनको ये बात पूरा मालूम हुआ कि मोर देन 75,000 वेर किल्ड, 75,000 मुसलमानों से ज़्यादा मुस्लिम को मसार कर दिया, मार दिए नो नीड। तो मेरी गुजारिश है कि जो बीजेपी के लीडर्स व्हेन दे वांट टू डिस्कस, जब ये बहस में लाना चाह रहे हैं कि लिबरेशन डे व्हाट हैपेंड ऑन 17 सितंबर 1948, तो अगर उनमें हिम्मत है बीजेपी के लीडर्स में, मेरा मजलिस बचाओ तहरीक एमपीटी की तरफ से हमारा मुतालिबा है कि ये सुंदरलाल पटवा कमेटी रिपोर्ट को आप पार्लियामेंट में लाओ, पार्लियामेंट में लाके उसमें डिस्कशन करो कि कितने मुसलमानों को मरे, आज उनके जो विरसा जिंदा है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। जबकि ये असल डिस्कशन आया, ये बीजेपी के लीडर्स जो है, जब पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने ये स्टार्ट करिए वहां से, उसके बाद में फिर पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में उन्होंने एक तकरीबन 11,000 लोग जो वो दौर में काम किए उनको फ्रीडम फाइटर्स बोल के उनको पेंशन देने का लिए स्टार्ट किए। फिर ये जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में बाद आफ्ता ये लिबरेशन डे को हम मनाना चाहिए बोल के डिस्कशन में लेके आए ये। तो ये कम्युनल माइंडसेट है ये, जो हमेशा से वक्फे वक्फे से मुसलमानों को बदनाम करना। तो उस टाइम पे भी जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री लिखे कि मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी में दूसरे कौमों के बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन मुस्लिम्स को एक कॉर्नर कर दिए, क्योंकि वो पीरियड में सेकुलर माइंडेड हिस्टोरियंस ज़्यादा नहीं लिखे, और ये कम्युनल माइंडेड हिस्टोरियंस जो है उसको एक ऐसा बना दिए कि रजाकारों की वजह से ये पेश हुआ। पहले आप पढ़िए कि व्हाट हैपेंड ऑन सितंबर 17 फ्रॉम 14 सितंबर टू 18 सितंबर, उसके बाद में आप इसको डिस्कशन में लाइए। जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ, जो खवातीन के साथ जो जुल्म हुआ, हजारों खवातीन अपनी इज्जतें बचाने के लिए बौलियों में कूद के जान दे दिए, जितने लोग जो रात में जागीरदार थे, जब हैदराबाद स्टेट इंडियन यूनियन में मर्ज होने के बाद में दूसरे स्टेट्स में, जैसा जो रजवाड़े जो महाराजा थे उनके सारे एम्प्लॉयज को इंडियन यूनियन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जॉब मिला, मगर वाहिद एक जो इंडिया निजाम स्टेट जब मर्ज होने के बाद में कोई भी एम्प्लॉय को, निजाम के एम्प्लॉय को, दे वर नॉट ट्रीटेड उनको इंडिया में, इंडियन यूनियन में एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के उनको ट्रीट नहीं करे। आज निजाम जो है, निजाम वॉज द वन ऑफ द बेस्ट रूलर इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन अगर कोई रूलर था तो निजाम था। आज निजाम हैदराबाद को क्या दिया उसके ऊपर बहस करिए। आज निजाम की वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी, निजाम की वजह से कितने बड़े बड़े पुल्स बने, कितने बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बने, निजाम वॉज द मोस्ट सेक्युलर लीडर। तो ये बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है इसे मुस्लिम्स और हिंदूज में क्लैशेस पैदा करने के लिए। और एक दूसरी चीज, हमारे जो टीआरएस की गवर्नमेंट है, केसीआर साहब, जो बीजेपी के जो डिमांड को रिजेक्ट करे, कविता एमपी हैज गिवन, ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिए उन्होंने,
कि कोई लिबरेशन डे कोई मर्जर डे नहीं, ये अगर मनाना है तो इसको आप बाज़ाब्ता उसको बहस में लाइए, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ उसके ऊपर चर्चा करिए, उसके बाद में आप ऐसा जो भी करना है करिए।